अगर हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे प्रोसीजर्स अपनाए जा रहे हैं, और वहीं पर अगर बात करें तो इंडिया में भी उन्हीं चीज़ों को नेशनल लेवल पे भी अडॉप्ट करने की बात हो रही है, जिनमें हम लोग यहाँ पर आज ग्रीन प्रोटोकॉल के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअल में दोस्त जो ग्रीन प्रोटोकॉल है वो सुचविता मिशन है, जो कि केरला में लाया गया है। या पूरा का पूरा जो लेसन है वो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, और यहाँ हम बात करने वाले हैं सुचिता मिशन में। शुचित्व मिशन। शुचित्व मिशन के अंतर्गत जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं ग्रीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है, इसमें किस तरह की बातें हम लोग करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं, जहाँ इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये जो मिशन है काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है, और ये जो चीज़ केरला से शुरुआत हुई है, इसको हम ले जाकर पूरे के पूरे इंडिया लेवल पर ले जाने की बात कर रहे हैं। अब चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, और वीडियो के लेसन की शुरुआत में आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर रवि अग्रहरी। आई हैव डन ए PhD फ्रॉम द IIT दिल्ली, एंड मेरा एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ मैं आपको एज अ डायरेक्टर फेस टू फेस क्लासेस देता हूँ। इट्स अ पूर्वांचल IAS एट गोरखपुर। आई एम टेकिंग योर क्लासेस ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट, एंड पिछले 19 सालों से आई एम टेकिंग योर ऑल द इंटायर क्लासेस ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट। 1000+ सेलेक्शन ऑलरेडी हैपन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मेरी दो बुक है जो पब्लिश होती है, द वन इज ऑन साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज एनवायरमेंट पे, जो मैग्रा हिल में पब्लिश होती है। दिस अ हाईली सेलेक्ट बुक इन इंडिया राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं, टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको मेरे पूरे PDF मिल जाते हैं, तो आप उसे जुड़ने के लिए यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं फॉर ऑल द इंटायर PDF जो मैं शेयर करता हूँ। और यहाँ पे आपको मेरे सारे के सारे वीडियो के लिंक भी मिल जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/@RaviPagari2010 पर आपको पूरी के पूरे यहाँ पर मेरी क्लासेस मिल जाती हैं। प्लस और प्लस के अतिरिक्त जो स्पेशल क्लासेस हैं, दोनों की क्लासेस आपको यहाँ पर उपलब्ध है। मेरा जो कोड है वो रवि UPSC है। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं उस समय आप रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं तो विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। दिस इज द बेस्ट एजुकेटर प्लेटफॉर्म फॉर UPSC CSE, जहाँ पर आपको इंडिया के सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज, काफ़ी दिनों से एक्सपीरियंस फैकल्टीज आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे टीचर्स आप दे आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया, और इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसके बारे में आप ना जानते हो। दिस ऑल आर कमिंग एंड मीट टू यू ऑन द लाइव सेशन ऑन एन अकेडमी। तो आप इनसे जुड़ने के लिए आप एन अकेडमी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरी क्लासेस में मिल जाएगी जहाँ साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट को लेकर मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फॉर द UPSC, और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये सब्जेक्ट जो है ये पूरी तरह से डायनेमिक है। इनमें भी किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेकर मैं आपको यहाँ पर प्लस पर क्लासेस देता हूँ। अनअकैडमी स्टोर एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत, और ये कह लो कि गुड न्यूज़ है जो आप सबके लिए है। अनअकैडमी पर आपको एक ओपन एक स्टोर है जो 12 मार्च से ओपन हुआ है, और ये आपको 30th पूसा रोड और राजेंद्र नगर नियर मेट्रोपिलर 121 पे आपको मिल जाएगा। रिगार्डिंग योर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और हेल्प रिगार्डिंग कोर्स एजुकेटर्स या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, अब आप यहाँ जाकर सीधा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बात कर सकते हैं। यहाँ जाकर आप वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स पर्सन्स और जो ट्यूटर्स हैं उनसे आप मिल सकते हैं। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो एक 27 मार्च को होने जा रहा है, इसको इनरोल करना ना भूलें। यहाँ यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस, सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आपको एक ग्रेट कॉम्बो दिया जा रहा है, पहली बार आपको इस तरह का ऑफर दिया जा रहा है, जो ऑफर आपको 12 मार्च तक वैलिड है। यहाँ पर अगर आप जनरल स्टडीज का कोर्स 12 महीने या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ऑप्शनल कोर्सेज फ्री दिया जाता है। आज से अगर आपने फीस में कंसेशन चुना है, अब तो यहाँ दोस्त पूरा ऑप्शनल पेपर ही आपको फ्री मिलता है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एजुकेटर कोड यूज़ करना होगा रवि UPSC, और आप सब जानते हैं अकेडमी पर सारे के सारे बेस्ट एजुकेटर सब उपलब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं इन्वायरमेंट में आज हम ग्रीन प्रोटोकॉल की, जहाँ ग्रीन प्रोटोकॉल में हम शुचित्व मिशन के बारे में बात करने वाले हैं। आप इसे शुचित्व बोलिए या शुचित्वा बोलिए, दोनों ही ठीक है। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, इंडिया में आज अगर हम गार्बेज की बात करें, ठीक है, तो आज गंदगियों की बात करें तो पूरा का पूरा जो कचड़ा है उसका अच्छा खासा डंप आप देख सकते हो भारत में बढ़ता जा रहा है। तो भारत एक बहुत बड़े लेवल पे जो कचड़ा बढ़ता जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो पूरे के पूरे इंडिया में आप देख सकते हैं, और चारों तरफ आपको भारत में ये फैला हुआ दिखेगा दोस्त। ये अगर हम बात करें भारत, अगर वर्ल्ड में हम बात करें दुनिया में, तो हम तीसरे सबसे बड़े कचड़ा जनरेटर राष्ट्रों में आते हैं। बड़ी खूबसूरत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ,
यानी आप भी कहोगे सर नौकरी में आते, आप भी कहते सर हम आईएसपीसीएस में जाते, सर किसी और चीज़ में जाते, आप कचड़े की बात करें तो क्यों ना बात करें दोस्त, आज का टॉपिक ही हमारा है कचड़ा यानी गार्बेज। तो इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा गार्बेज जनरेटर के कंट्री में आता है और ऐसा मानते हैं कि 2050 तक पहुँचते पहुँचते इसका अनुमानित जो अमाउंट है 436 मिलियन टन बढ़ने वाला है, 436 मिलियन टन बढ़ने वाला है। आप खुद सोचिए भारत कूड़ों का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राष्ट्र बन जाएगा। चले हम लोग इन्हीं चीज़ों में अपनी रैंकिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब यहीं पर आपको देखूंगा तो दूसरी तरफ केरला में जो चीज़ हुई है वो लिटरली इस तरह की समस्या को निपटान दिलाने के लिए, इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काबिले तारीफ है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रीन प्रोटोकॉल के अंदर जो स्वच्छता मिशन जो केरला में लाया गया है, एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी पहल आपको बताऊं जिसको आगे चलकर पूरे नेशन में, पूरे भारत में इसको फैलाने की बात हो रही है, चलाने की बात हो रही है। और ये ऐसा इनिशिएटिव है जो पूरी तरह से आपको भारत में वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करने वाला है, जो भी वेस्ट आपके जनरेट होते हैं उनके निपटान के लिए अच्छी तरह से हेल्प करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट तरह के वेस्ट आप देख सकते हैं, आपको भारत में डिफरेंट तरह के कैटेगरी के वेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकते हैं, पेपर वेस्ट हो सकता है, प्लास्टिक वेस्ट हो सकता है, ग्लास वेस्ट हो सकता है, मेटल वेस्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो सकता है और कोई भी मिक्स तरह के वेस्ट हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की कैटेगरी के वेस्ट हैं, इन सारे के सारे वेस्ट को आफ्टर यूज़ इनके प्रोसेस करने की बात हो रही है, कैसे हम इनको करेंगे, क्या करेंगे। स्वच्छता मिशन की बात करें तो इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, एक लोकल सेफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है जो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि किस तरीके से हम किस स्ट्रेटजी को लेकर वेस्ट मैनेजमेंट के मसले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो वेस्ट मैनेजमेंट जो होगा वो या तो किसी सॉलिड या लिक्विड तरह के वेस्ट की बात होती है। तो फिर मैं कह रहा हूँ स्वच्छता मिशन में केरला में क्या है, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो आया है और जो पूरी जिम्मेदारी लेता है किस तरह से हम स्ट्रेटजी को अपनाएंगे, किस तरह की नीतियाँ अपनाएंगे जिसके थ्रू हम एक्चुअल में इस तरह के गार्बेज का निपटान कर पाएंगे। ठीक है, अब इस तरह के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, एक नोडल एजेंसी होगी, वो नोडल एजेंसी पूरे शहरों में, म्यूनिसिपल बॉडीज में, पंचायती राज में जाकर जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है उसको करने की कोशिश करेगी। और ये आपको बताऊं तो पूरा का पूरा केरला स्टेट में इसको लागू किया गया है और यही स्वच्छता मिशन ऐसा मिशन है जो आपके पेपर में अगर कभी क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा वेस्ट डिस्पोजल का तरीका है जो केरला में अडॉप्ट किया गया है। असल में यहीं पर मैं आपको बता दूँ इसके लिए टर्म ग्रीन प्रोटोकॉल क्यों आता है। तो पहले आपको बताओ ग्रीन प्रोटोकॉल एक्चुअल में होता क्या है। ग्रीन प्रोटोकॉल एक ऐसा मेज़र है जो पूरी तरह से ये कोशिश करता है कि जो वेस्ट हैं उनकी अमाउंट को कम करने की कोशिश की जाए। ठीक है, यहाँ पर जो भी डिस्पोजेबल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको रोकने की बात हो रही है, या ये कह लीजिए ऐसी चीज़ों को हम करने की बात कर रहे हैं जिनको हम पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, रीयूजेबल कर सकते हैं। यानी जैसे मोदी जी का विजन था कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को हटा देना, यानी ऐसा प्लास्टिक जो सिर्फ एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है, उसके बाद उसकी रिसाइकिलिंग कर रीयूजेबल कर किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इस तरह के प्लास्टिक वातावरण के लिए रहकर नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्यों ना इन चीज़ों को समाप्त ही कर दिया जाए। उसी तरह यहां पर भी बात हो रही है कि ऐसे वेस्ट, ऐसे डिस्पोजल को यूज किया जाए जिनको हम एक तरह से पूरी तरह से डिस्पोज अगर नहीं होते हैं तो उनको रियूजेबल किया जा सके, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और आपको यहीं पर बताऊं बहुत तरह के अल्टरनेटिव की बात भी हो रही है, ठीक है, रीयूजेबल अल्टरनेटिव की जगह की बात हो रही है, जहां पर जिस तरह के जो आपके ये कह लो, अब जैसे आप मुझे बताओ आप डिस्पोजेबल यूज करते हो तो हम ये कहते हैं कि आप ग्लास क्यों नहीं यूज करते हो, आप स्टेनलेस स्टील क्यों नहीं यूज करते हो, पॉर्सलिन जो कटलेरीज होती है क्यों नहीं यूज करते हो, ये तो खत्म नहीं होते ना, ये तो आप फिर इनको धो पोछ के फिर यूज कर लो। यानी कुछ चीजें हैं जो ग्रीन प्रोटोकॉल के अंदर लिए जा रहे हैं। ग्रीन प्रोटोकॉल का एक्चुअल में पूरा रीजन क्या है, इस पूरे इवेंट का मेन कारण क्या है, कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना उनको तरह से जीरो कर देना, जो बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं इस वातावरण में रह जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर के लिए और छोड़िए पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में यानी इन्वायरमेंट में आपके लिए और पौधों के लिए और इसके अलावा और भी अन्य ऑर्गेनिजम्स के लिए सबके लिए नुकसान होते हैं, इनको हटाने की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे कि ग्रीन प्रोटोकॉल को हम कैसे लागू करेंगे। तो ग्रीन प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करने के लिए स्वच्छता मिशन आपको एक अच्छा दिखी गया जो केरला में लेकर आया गया, यहां पर पूरी तरह से कोशिश की जाएगी कि हम सारे के सारे जो डिस्पोजेबल हैं उनको हटाने की कोशिश करें।
ठीक है, जिनमें प्लास्टिक होता है ना इंक्लूडिंग प्लास्टिक, है ना, पेपर, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड द यूज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिस्पोजेबल, जिसको डिस्पोज करने की जरूरत पड़े उस तरह की चीज़ों को हटाए जाने की बात हो रही है। यहीं पर मैं आपको बोलूँ कि हमेशा कप को यूज़ कीजिए, कंटेनर को यूज़ कीजिए, जिसको आसानी से हम साफ कर सकते हैं दोस्त, ना कि प्लास्टिक और पेपर का। ठीक है, ये चीज़ें कुछ ऐसे, ये मैं उन पेपर की बात कर रहा हूँ जिनका डिस्पोजेबल आसानी से नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी हम आसानी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी उस तरह, फिर मैं कह रहा हूँ अवॉइड द यूज ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिस्पोजेबल, जो हम प्लास्टिक और उस तरह के पेपर, है ना, पेपर पॉलिथीन वगैरह उस तरह की भी चीज़ें होते हैं, उसको हटाना है। दूसरी चीज़ हमको क्या करना है इसके अंतर्गत, जो 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 बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उनको हमें अलग अलग करना होगा। जैसे आप देखो, आप बॉक्सेस देख सकते हैं शहरों में, रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन। मुझे नीचे अंतर नीचे जब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा इन सारे बॉक्स का मतलब क्या होता है। आई विल सी गाइस हाउ मच द नॉलेज यू हैव। रेड बॉक्स का क्या मतलब होता है, ब्लू बॉक्स का क्या मतलब होता है, येलो बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का क्या मतलब होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे मैं एक चीज़ और बताऊँ कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उनको पूरी तरह से सफाई कीजिए, उनको सुखाइए, उनको स्टोर कीजिए सेपरेटली, ठीक है, उनको स्टोर कीजिए सेपरेटली। ये सारी की सारी चीज़ें आपको रखनी होंगी, जिसके लिए इस तरह के बॉक्सेस हैं जो आपको मिल जाएंगे दोस्त आपके अगल बगल। दूसरा, जो प्लास्टिक है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, और ये चीज़ दोस्त बहुत पहले से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, प्लास्टिक को यहाँ पे बैन करने की बात हो रही है, काफ़ी दिन से चल रही है। तीसरी चीज़ यहाँ पर बताऊँ कि यूज़ एंड थ्रो वाली जो चीज़ें हैं उनको नहीं यूज़ करना है। यानी आप गए मार्केट में, गए और अपना बैग ना ले जाकर, झोला ना ले जाकर आप क्या कर रहे हैं, पॉलीथीन लेकर आ रहे हैं, और ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ और थ्रो, है ना, कर दिया जाता है, दोबारा उसको प्रयोग में नहीं लाया जाता है। इस तरह की चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है, याद रखिएगा। आपको हमेशा बैग वैग कपड़ों वपड़ों का बनाइए, ऐसा बनाइए जो कि इको फ्रेंडली हो। सब ग्रीन प्रोटोकॉल के प्रोविजन बता रहा हूँ। फिर कह रहा है, देखिए मैंने आपसे क्या बोला, जो आप बैनर्स बनाते हैं, होर्डिंग्स बनती है, उसमें फ्लैग्स लगता है, फ्लैग्स में भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक और इस तरह के मटेरियल होते हैं, उनको जलाइएगा नहीं और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। उनकी जगह हम कपड़ों के बैनर क्यों ना बनाएं, क्लॉथ के बैनर क्यों ना बनाएं, क्योंकि कपड़े जो होते हैं, जो सूती कपड़ा इस तरह के कपड़े, वो डिकम्पोजेबल हैं, उनको बैक्टीरियाज वगैरह डिकम्पोज कर सकते हैं। इसके अलावा बैम्बू बास्केट्स वगैरह का भी यूज़ हम करें, है ना, ये भी कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली मटेरियल होते हैं। ओके, प्लास्टिक वेस्ट बास्केट की जगह अगर हम बैम्बूज वगैरह को यूज़ करें तो इट इज़ ऑल्सो गुड गाइज इन दिस केसेस। इसके अलावा जैसे अगर हम कहीं पे डेकोरेशंस या कुछ भी करते हैं तो हमको इको फ्रेंडली चीज़ों का प्रयोग करना है, ना कि प्लास्टिक और सिंथेटिक तरह की चीज़ों का, जिसमें आप फ्लावर और इस तरह की चीज़ों का डेकोरेशन आप करेंगे, कोई भी बुके वगैरह यूज़ करते हैं तो। ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा दोस्त। आगे मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ कि जो ग्रीन प्रोटोकॉल है वो आज अगर देखा जाए, वैसे तो केरला में पूरी तरह से काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है, और ये कहीं ना कहीं अगर हम बोलें तो ये पूरी तरह से इन्वायरो कल्चरल रिवॉल्यूशन है। यानी एक तरह से ये एक रिवॉल्यूशन मान लिया गया, जिसको एनवायरनमेंट और कल्चर रिवॉल्यूशन दोनों के साथ जोड़ के रखा है, कि इसको हम अपने कल्चर में ही डाल लेते हैं कि हम लोग बैम्बू का यूज़ करें, इसको अपने कल्चर में ही डाल लेते हैं कि हम लोग इस तरह की चीज़ों का यूज़ करें जो कि बायोडिग्रेडेबल है, ठीक। और कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हमारे हमारे कंट्री में, और ना कि हमारे पूरे के पूरे पृथ्वी पर, है ना, क्या करेगा, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो मैं आपको लेकर आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप मुझे इसका आंसर सही देने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रीन प्रोटोकॉल। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ग्रीन प्रोटोकॉल को लेकर सही है। पहला कह रहा है, इट इज़ द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय सेंटर अंडर स्वच्छ भारत मिशन। तो क्या ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाया गया एक इनिशिएटिव है। दूसरा कह रहा है, इट वाज फर्स्ट यूज इन द नेशनल गेम। सबसे पहले इसको उपयोग में लाया गया नेशनल गेम के समय। तीसरा बोला गया, ग्रीन प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के पीछे जो है, इसमें पूरी तरह से रिड्यूस करना है जो वेस्ट जनरेट होते हैं, है ना, वेस्ट बनने के बाद उनको निपटान करने के लिए तरीकों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा कह रहा है, इट प्रिवेंट यूज ऑफ प्लास्टिक बाय डिस्पोजल एक्सेट्रा। यहाँ पर प्लास्टिक बाय डिस्पोजल को भी समाप्त करने की कोशिश होती है। यहाँ डिफरेंट तरह के ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है दोस्त। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेगा, और इसके आंसर को जानने के लिए आपको जो मैंने बोला है पीडीएफ आप जाकर इस टेलीग्राम से ले लेंगे दोस्त, जो टेलीग्राम का लिंक आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, आपको यहां पर पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं आप सबसे बोलूंगा, एक बार आप क्वेश्चन का आंसर नीचे जरूर दें। तो ये टेलीग्राम लिंक है जहां पर आपको मेरी पूरी क्लास की पीडीएफ और इसके अलावा जो भी वीडियोस की लिंक्स होती हैं मैं वहां शेयर कर देता हूं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल anacademy.com/rabipegri2010 पर, जहां पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिलती हैं, और प्लस के साथ साथ आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं। रवि यूपीएससी, याद रखिएगा, प्लस का कोर्स जो है वो पेड कोर्स होता है, और स्पेशल क्लास जो होती है वो फ्री
अर्थात निःशुल्क होता है। मेरा जो कोड है वो रवि यूपीएससी है। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करें अगर रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो मैं आप सबको बोलूँगा यूपीएससी में अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और ये बहुत ही यूनिक है। इसमें आपको एक लाइव मेंटरशिप मिलती है, एक ट्यूटर मिलता है जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी तैयारी के समय में हर तरह की मदद करता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस भी होते हैं, स्टडी प्लानिंग भी होती है, और ओपन हाउस में आप एजुकेटर के साथ जुड़ने का मौका भी मिलता है। अनअकैडमी पर आपको अगर जनरल स्टडीज़ से कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ मैं आपको बता दूं, या तो आप जनरल स्टडीज़ का कोर्स करना चाहें जो आप प्लस या आइकॉनिक कुछ भी ले सकते हैं, फिर भी बोलूँगा आइकॉनिक इज़ द बेस्ट वन, या फिर आप यूपीएससी के लिए अगर आप ऑप्शनल कोर्सेज लेना चाहते हैं 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप कोड यूज़ करते हैं रवि यूपीएससी। तो रवि यूपीएससी आपके लिए एक समझ लीजिए गुरुदक्षिणा है, गुरुदक्षिणा भी मत बोलिए है ना, ये कह लीजिए कि यहाँ पर आपको पूरी तरह से एक आशीर्वाद समझ जाइए, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी आपको फीस में मिल रहा है। अब देखिएगा 0% EMI भी आपको है जो अनअकैडमी देती है, और यहाँ पर आपको 0% EMI में स्पेशली उन बच्चों को काफ़ी फायदा है जिनके साथ फाइनेंशियल क्रंच है। अब देखिए IAS ड्रीम जिन जिन बच्चों का, उनको मैं एक बार बता दूं कि अब हमारे जो अनअकैडमी में जो टेस्ट सीरीज है लगभग 50,000 प्लस बच्चों ने इनरोल कर लिया है टेस्ट सीरीज में। यहाँ पर बेस्ट रेटिंग है, क्लास रेटिंग है, क्लास लर्नर रेटिंग है, बेस्ट क्लास एजुकेटर रेटिंग है, ये आप खुद स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्त, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाएंगे, 20,000 से प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन हो जाएंगे, MCQs हो जाएगी, और एक एक मेंटरशिप के साथ आपके साथ मिलकर कनेक्शन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे मिस ना करें दोस्त। और मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैंने आपको बोला है जो कि बहुत यूनिक है, इसके लिए आप अपना रजिस्टर करा सकते हैं इस सेशन के लिए, और यहाँ पर कोशिश की जाती है आपके हर तरह के प्रश्नों के उत्तर आपके साथ मेंटोर के साथ जुड़कर दिया जाए, और कोशिश किया जाता है कि आपके लैंग्वेज में ही आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएं। अंत में आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, मेरी जो क्लासेस हैं साइंस टेक और एनवायरमेंट की ये प्रारंभ हो गई हैं। साइंस टेक का एक सेशन जो है वो डन हो गया है, एनवायरमेंट की क्लासेस जो हैं वो प्लस पर और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे चल रही हैं, और यहाँ पर एक क्लास हो चुकी है, अगली क्लास के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी प्लस की क्लास है ही है, रवि यूपीएससी मेरा कोड है, जब भी आपको कोई क्लास यूज़ कर ज्वाइन करना हो तो आप इसे कोड को यूज़ कीजिए। यूपीएससी सीएससी का जो बैचेस हैं 2022 का जो MCQ बैच है वो चल ही रहा है, और 2023 के लिए भी आगे का जो बैच है वो आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो बैच 16 मार्च से शुरू हो रहा है। तो इस बैच को मिस मत कीजिए, एंड यू पीपल इनरोल नाउ फॉर द न्यू बैच 16 मार्च 2022। आगे बढ़ते हैं, अंत में चलते हैं, इस वीडियो को, इस यूट्यूब को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस PDF के लिए जो मैंने अभी आपको ये लेसन लिया है इसके लिए आप जाकर टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। हैव अ गुड डे, बाय, जय हिंद।